अस्सलाम वालेकुम, मैं लेकर आया हूँ लर्न ग्राफिक्स की तरफ से प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 6। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रे डिस्टेंस टूल और स्पीड ड्यूरेशन के बारे में कि अपनी वीडियो को किस तरह इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और अपनी वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं। चलें आए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैंने पहले से यहाँ पर एक वीडियो के लिए ले लिया है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वो देख लेते हैं। यहाँ पर रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल और उसी के नीचे दिया हुआ है रेड स्ट्रेस टूल। रेड स्ट्रेस टूल के जरिए ये होता है कि किसी तरह किस तरीके से अपनी वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं और अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब ये देखें, अब जिस तरह रेड स्ट्रेस टूल के जरिए जितने अपनी वीडियो को मैं लॉन्ग करूँगा, अब ये देखिएगा, देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर किस तरीके से आपको साउंड भी आ रहा होगा बिल्कुल स्लो। अब इसी तरह अपनी वीडियो को मैं शॉर्ट करता हूँ, अब ये देखिएगा मेरी वीडियो की स्पीड। इसको सोर्स वीडियो में लेकर आते हैं, एक वीडियो को देखते हैं क्या इस वीडियो। और इसी तरह रेड स्ट्रेट टूल के जरिए आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से, आपने अपनी वीडियो क्लिप पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं स्पीड एंड ड्यूरेशन। जैसे स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाएंगे, स्पीड दिखा रहा है 99.32। मैं इसको कर देता हूँ 100%। 100% मीन आपकी वीडियो की जो नॉर्मल स्पीड होती है, जिस वीडियो पे स्पीड पे आपकी वीडियो बनी होती है, उस तरीके से हो जाएगी। मैंने इसको इंटर किया, इंटर करने के बाद आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मेरा इंट्रो, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड, बिल्कुल सही आवाज़ जिस तरह आती है नॉर्मल एक वीडियो को। आप देखते हैं ये मेरी क्लास नंबर 5, ये लास्ट क्लास है, उसकी वीडियो के लिए मैंने लिया हुआ। वापस वहीं चले जाते हैं, अब वही नंबर के ज़रिए मैं इसको 50 कर देता हूँ तो मेरी वीडियो बड़ी हो गई और वीडियो को मेरी स्पीड स्लो हो गई। देख रहे हैं आप साउंड से इसको, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, देन वापस से फिर से मैं अपनी वीडियो पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद वहीं स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 200। अब इसकी स्पीड देखिएगा कितनी स्पीड, कितनी तेज़ी से आपको क्या समझ में आता है। देख रहे हैं, यानी कितनी वीडियो मेरी बहुत तेज़ हो गई स्पीड से। मैं वापस जाकर इसको नॉर्मल करता हूँ और नॉर्मल करने के साथ साथ वापस हम चेक करते हैं क्या। लेकर आते हैं एक वीडियो को देखते हैं क्या इस वीडियो में। अब मैं लेता हूँ एक दूसरी क्लिप इंट्रो वाली, इसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा इस पुरानी क्लिप को जो लास्ट इसको डिलीट करता हूँ रेड स्ट्रेट टूल के जरिए, इसको मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करके इसकी स्पीड को थोड़ा मैं स्लो करता हूँ, 50 कर देता हूँ। ये देख, इसको मेन पे ले आते हैं यहाँ पर और अब देखिएगा ये मेरी स्पीड ये तेज हो गई है, ये स्लो नहीं हुई, ये तेज हो गई है। इसको बिग कर देता हूँ, इसको मैंने बड़ा कर दिया इस वीडियो को। अब आप वापस से देखिएगा, ये हो गया और नॉर्मल के लिए भी हो रहा है, आपको यकीनन हो रहा होगा। अब इस वीडियो को मैं किस तरह रिवर्स के जरिए चला सकता हूँ, यानी इस वीडियो का वापस से शुरू से देखिए। अब ये देखिएगा, मैं इसको आगे ले आता हूँ, बहुत पीछे चले गया था, ये मेरा इंट्रो नोट किया आपने, क्या आया था सबसे पहले लर्न ग्राफिक्स लिखा हुआ आया, फिर बिजली, फिर देन मेरा लोगो। अब इसको मैं किस तरीके से इतनी ही स्पीड पे, अभी मैंने स्पीड को उसको तेज़ की हुई,
अब मैं इसकी स्पीड को नॉर्मल करता हूँ, और नॉर्मल करने के बाद इसी को इसको मैं करता हूँ रिवर्स चलाता हूँ। अब देखिएगा इस वीडियो को, अब देखें कहाँ से शुरू हो रही है, नोट कीजिएगा अभी ये मैं आगे बढ़ा देता हूँ। नोट किया आपने, पहले क्या आ रहा था, पहले रेंड ग्राफिक्स आ रहा था, फिर बिजली टाइप का आ रहा था, फिर मेरा लोगो आ रहा था। अब रिवर्स करने पे क्या आया, पहले लोगो फिर बिजली देन रेंड ग्राफिक्स। तो यकीनन मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।